ओम शांति। बाबा की साकार मुरली है, मार्च 26, 2024। बाप दादा मधुबन, वर्जन्स ऑफ शिव बाबा, एसेंस ऑफ द मुरली। मीठे बच्चे, अपने को आत्मा भाई भाई समझ, एक दो से रूहानी प्रेम रखो। सतो प्रधान बनना है तो किसी की खामी नहीं निकाल। बाबा कहते खामी निकालते हैं, मतलब खामी देखते हैं, खामी के बारे में सोचते हैं। खामी देखेंगे तो वो खामी हमारे अंदर क्रैप्ट इन हो जाएगी। इसलिए बाबा कहते भाई भाई समझो, भाई भाई की खामी देखता नहीं, भाई भाई की विशेषता देखता है। यदि कोई खामी है तो भी शुभ भावना शुभ कामना रखता है, और भाई भाई की खामी बाहर नहीं कहता है, अपने अंदर समा लेता है। तो बाबा कहते भाई भाई समझेंगे तो रूहानी प्रेम रहेगा, तो सतो प्रधान बन जाएंगे। प्रश्न है, किस आधार पर बाप से पद्मों का वर्षा ले सकते हो? उत्तर है, बाप से पद्मों का वर्षा लेने के लिए याद की यात्रा पर रहो। जितना याद में रहेंगे उतनी पॉजिटिविटी बढ़ेगी। एक बाप के सिवाय और सब बातें भूलते जाओ। प्रैक्टिस करनी है आत्मा आत्मा भाई भाई और परमात्मा की संतान। फलाना ऐसा करता, वह ऐसा है आदि आदि, इन बातों में टाइम वेस्ट मत करो। मंजिल भारी है, इसलिए सदा सत्व प्रधान बनने का लक्ष्य रहे। लक्ष्य क्या है? नर ऐसी करनी करे नर में से श्री नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे नारी में से श्री लक्ष्मी। तो बाबा कहते हैं मंजिल भारी है, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सत्व प्रधान बनने का प्रयत्न करना पड़ेगा। कर्म करेंगे तो फल मिलेगा। बाप के लौ में चटके रहो, अपनी सूक्ष्म चेकिंग करते रहो, तब वर्षा ले सकेंगे। तो बाबा ने कहा याद की यात्रा पर रहो, एक बाप के सिवाय बाकी सब भूलते जाओ, किसी की खामी निकालने में टाइम वेस्ट नहीं करो, सतो प्रधान बनने का लक्ष्य रहे। पांचवा है, बाप के लौ में चटके रहो, और छठवा है, अपनी सूक्ष्म चेकिंग करते रहो तो पूरा वर्षा ले सकते हैं। चॉइस हमारी है क्या करना क्या नहीं करना। ओम शांति। अब तुम बच्चे जो बैठे हो उनको ये मालूम है कि अब बेहद का बाप फिर से सतो प्रधान बना रहे, फिर से चक्र है, कोई नई बात नहीं। कहीं कहते हैं ना बहुत ही कठिन बात है, परमात्मा कहते हैं नई बात नहीं है, कठिन बात नहीं है, आपने किया था और फिर से आपको करना ही है, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इसलिए बाबा कहते हैं फिर से बन रहे हैं। मूल युक्ति यही बता रहे हैं कि अपने को आत्मा भाई भाई समझो, उसकी युक्ति यही है। आत्मा, और कैसी आत्मा? शुद्ध पवित्र आत्मा, खामी वाली आत्मा नहीं, अभी की आत्मा नहीं। जब हम इस दुनिया पर आए तो देवी देवता थे वो आत्मा। मुख्य शिक्षा यही देते हैं कि तुम्हारा आपस में बहुत बहुत रूहानी प्रेम होना चाहिए। शरीर की बात नहीं, जिस्म की बात नहीं, रूह की बात है। पहले तुम्हारा था अब नहीं है, सत्युक्तता में यही था। छोटा बच्चा होता है ना 1 साल का, उनका भी देखो रूहानी प्यार है, इसलिए सबको प्रिय है। तो बाबा कहते ऐसा प्यार इस दुनिया में भी हम देख सकते हैं। पहले तुम्हारा था अब नहीं है, क्योंकि देहवान आया। मूल वतन में तो प्रेम की बात नहीं रहती, वहाँ तो शरीर ही नहीं है, इसलिए वहाँ ये जो क्वालिटीज है जिसका हम अनुभव कर सकते हैं, सुख शांति आनंद प्रेम, वो वहाँ नहीं है। कहाँ मूल वतन में? वहाँ क्या है? प्योरिटी है, पीस है, पावर है। जब सतयुग में आत्मा आती है तो 4 क्वालिटी ऐड होती है। तो बेहद का बाप आकर शिक्षा देते हैं, बच्चे आजकल करते करते समय बीतता जा रहा है, सा टाइम इज गोइंग वेरी फास्ट। दिन मास वर्ष बीतते जा रहे हैं। बाप ने बताया है तुम यह लक्ष्मी नारायण थे, किसने तुमको ऐसा बनाया? बाबा कैसे मंदिरों में जाकर देखते हैं ना, अपने घर में भी देखो जो चित्र रखते हैं देवी देवताओं के, किसने ऐसा बनाया? बाप ने। यह भी बाप ने बताया है कि तुम नीचे कैसे उतरे हो, पूरा सीढ़ी का चित्र, 84 जन्मों की कहानी।
मनुष्य के उत्थान और पतन की कहानी, सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कहानी। ऊपर से लेकर नीचे उतरते उतरते समय बीतता जा रहा है, पूरा 5000 साल। वह दिन गया, मास गया, वर्ष गया, समय गया। तुम जानते हो कि पहले पहले हम सत्व प्रधान थे, हम ही थे लक्ष्मी नारायण, कोई और नहीं था। हमारा आपस में बहुत लव था, आत्मा आत्मा भाई भाई का लव था। बाप ने तुम सब भाइयों को शिक्षा दी क्या? तुम भाई भाई का आपस में बहुत प्यार होना चाहिए। किसकी बात है? आत्मा की बात है। मैं तुम्हारा बाप हूँ, भाई भाई की बात हुई तो शरीर की बात ही नहीं आती है। कितना प्यार से मैं तुमको संभालता हूँ, है ना बाबा? इतनी हम गलतियाँ करते हैं, तभी बाबा कभी भी गुस्सा नहीं करते, है ना? संभालता ना प्यार से, तुमको तमो प्रधान से सत्व प्रधान बना देता। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है ही सत्व प्रधान बनने की, सत्व की एम ऑब्जेक्ट नहीं है, राम सीता की नहीं है, लक्ष्मी नारायण की है। समझते हो, जितना जितना हम सत्व प्रधान बनते जाएंगे उतना खुशी में भी आते जाएंगे। जितनी स्टेज आत्मा की ऊपर, उसी के अनुसार हमारी स्थिति, स्टेज के आधार। हम सत्व प्रधान थे, हम भाई भाई आपस में बहुत प्रेम से रहते थे, कोई लड़ाई झगड़ा था ही नहीं, एक भाषा थी, एक कुटुंब था, एक राज्य था, एक धर्म था, वन 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 था, तो लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं थी। अब बाप द्वारा हमको पता पड़ा है, हम देवता ये आपस में बहुत प्रेम से चलते थे। इन देवताओं की और हेवन की बहुत महिमा है, तुम भी हेवन के रहवासी थे, हम भी सब। फिर आजकल करते करते नीचे आते, एक तारीख से लेकर आज आकर 5000 वर्ष से बाकी कुछ वर्ष रहे हैं। 111 सतयुग की आदि, जब लक्ष्मी नारायण गद्दी पर बैठते हैं तो एक दिन पहला मास और पहला साल, धीरे धीरे पूरा। शुरू से लेकर तुम कैसे पाठ बजाते आते हो, वह सब बुद्धि में है, विजुलाइजेशन बुद्धि। मतलब अब देह अभिमान होने के कारण एक दो में वह प्यार नहीं है, क्यों लड़ाई झगड़े है? देहभान आया, डिफ्रेंसिएशन हुआ, मर्यादाएँ आ गई, लिमिटेशन आ गई, हदें आ गई संबंधों के अंदर, जेंडर के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषाओं के नाम पर, क्या क्या हमने डिफ्रेंसिएशन नहीं किया है, क्यों? देह अभिमान। एक दो की खामियां निकालते रहते हैं, फलाना ऐसा है, फलाना वैसा है, आदि आदि। जब देही अभिमानी थे तो किसकी खामियां नहीं निकालते थे, आपस में बहुत प्यार था। अब फिर वही अवस्था धारण करनी है, और अवस्था का आधार है हमारी अवेयरनेस, हम क्या सोचते हैं। सोचने से ही धीरे धीरे स्टेज बन जाती है, स्थिति बन जाती है, अवस्था। यहाँ तो एक दो को उस दृष्टि से देखते हैं तो आपस में लड़ते झगड़ते हैं ना, स्त्री पुरुष की दृष्टि, अपने प्रांत या तो अपना देश या तो अपनी भाषा, अपना धर्म, ये सब दृष्टि है, डिफ्रेंसिएशन है, तो झगड़ा ही होगा। फिर यह बंद कैसे हो, यह भी बाप समझाते हैं कि बच्चे तुम ही सत्व प्रधान पूज्य देवी देवता थे। पूरा का पूरा थॉट परिवर्तन, संकल्प परिवर्तन, हम ही थे, हम ही बन रहे हैं, हम ही बनेंगे। फिर धीरे धीरे नीचे गिरते तुम तमो प्रधान बने हो, तुम कितने मीठे थे, मीठे कौन थे? देवता। अब फिर ऐसा मीठा बनो, देवता जैसा बनो। तुम सुखदाई थे, अब दुखदाई बने हो, सुख देने वाले थे, दुख नहीं देते थे, अब दुख देने वाले बने हो। रावण राज में एक दो को दुख देने काम कटारी चलाने लगे हो, जब सत्व प्रधान थे तो काम कटारी नहीं चलाते थे। तुम्हारे ये 5 विकार कितने शत्रु, जिसका रिप्रेजेंटेशन हर धर्म में है, हिंदुइज्म में महाभारत के रूप में दिखाया, रावण के रूप में, सॉरी रामायण में, क्रिश्चियनिटी में होली वॉर, कुछ न कुछ हर धर्म में दिखाया है कि ये विकार व्यसन ही, कमी कमजोरी, नेगेटिविटी, व्यर्थ, यही हमारे बड़े से बड़े दुश्मन, यह है ही विकारी दुनिया, विशेष वर्ल्ड।
यह भी तुम जानते हो क्या, राम राज किसको कहा जाता है और रावण राज किसको कहा जाता है? दुनिया में सब कुछ मिक्स कर दिया बाबा, कैसे दुल्दानी कर दिया, सब कुछ ऊपर नीचे, स्वर्ग और नरक को मिला दिया, कल्प की आयु लाखों वर्ष कह दी, 84 लाख जन्म कह दिए, तो क्या हुआ? सब कुछ ऊपर नीचे। आजकल करते सतयुग त्रेता द्वापर पूरे हुए, अब कलयुग भी पूरा होने वाला है, अति तमो प्रधान एंड पर आकर खड़े, तुम ही सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हो, तुम्हारी रूहानी खुशी गायब हो गई, रूहानी खुशी, आत्मा समझते थे तो कोई भी प्रकार की नेगेटिविटी नहीं थी, तो आत्मा की जो ओरिजिनल क्वालिटी थी सब थी, वो थी रूहानी खुशी। आयु भी कितनी छोटी हो गई, कहाँ, मोर देन 150 ईयर्स, अभी एवरेज आयु 30 साल। अब मैं आया हूँ, जरूर तुमको सतो प्रधान बनाऊंगा, तुमने ही बुलाया कि पतित पावन आऊँ। हर धर्म की आत्मा दुखी दुखी बन जाती है तो बुलाती है, हे लिबरेटर, हे प्योरीफायर आओ। बाप समझाते हैं, 5,000 वर्ष के बाद जब संगम युग आता है तब मैं आता हूँ। अब तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, जितना याद करेंगे उतनी खामियां निकलती जाएगी, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं, कोई इनकी मेडिसिन नहीं, ये कोई फिजिकल चीज़ नहीं है, इसलिए बाबा कहते हैं याद ही एक रास्ता है। तुम जब सतो प्रधान थे तो तुम्हारे में कोई भी खामी नहीं थी, कोई भी त्रुटि नहीं थी, तुम अपने को देवी देवता कहलाते थे, अब वह खामियां कैसे निकले? आत्मा को ही अशांति होती है, इसलिए आत्मा ही शांति चाहती है, क्योंकि अशांति आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटी नहीं है। अब अपनी जांच करनी है कि हम अशांत क्यों बने, किसकी करनी, अपने दूसरों की नहीं। जब हम भाई भाई थे तो हमारा बहुत ही प्रेम था, अब फिर वही बाप आया है, कहते हैं अपने को आत्मा भाई भाई समझो, एक दो से प्रेम रखो, विजुलाइज करो आत्मा, तो सब डिफरेंशिएशन चले जाएंगे और तो ही प्रेम बढ़ेगा। देह अभिमान में आने से एक दो की खामियां निकाल दे। बाप कहते हैं तुम अपना पुरुषार्थ करो, किस लिए, उच्च पद पाने का। तुम जानते हो क्या, जानते हैं हम, हमको बाप ने ऐसा वर्षा दिया था जो हमको भरपूर कर दिया, देने वाला वो था। अब फिर बाप आया हुआ है तो क्यों ना हम उनके मत पर चलकर फिर से पूरा वर्षा लेवे, अब वो आया है फिर से वर्षा देने, एवरी कल्प वो आता है, तो हमारी ड्यूटी बन जाती है वो जो कहे वैसा करना, तो ही वो कहे वैसा पद मिलेगा, करेंगे तो फल पाएंगे, हम ही देवता थे फिर 84 जन्म लिए, तो मीठे मीठे बच्चे कितने अडोल थे, युधिष्ठिर जिसका यादगार है शास्त्रों के अंदर, युद्ध में भी स्थिर, स्टेबल, कुल, काम, इमूवेबल, अनशेकेबल, हम सब ऐसे थे, कोई मतभेद नहीं था, किसकी निंदा आदि नहीं करते थे, बाबा सब कुछ याद दिलाते हम क्या थे, अभी कुछ न कुछ कमियां हैं वह सब निकाल देनी, देखना है अपने को दूसरे को, हम सब भाई भाई, दूसरे को देखे तो आत्मा आत्मा भाई भाई, एक बाप को ही याद करना है, यही ओना लगा हुआ है कि हम सतो प्रधान बन जाए, एक ही ओना रखना है, बाकी सब ओना जो है चिंता है छोड़ देनी, एक ही शुभ चिंता रखनी है, चिंता जरूर मगर कैसी, शुभ चिंतक और शुभ चिंतन, दूसरों के लिए शुभ चिंतक बनना है, हमारे लिए शुभ चिंतन करना है, तो बाबा कहते हैं ये सब छोड़ो, यह ओना लगा हुआ है कि हम सत्व प्रधान बन जाए, फलाना ऐसा है, इसने ऐसा किया, इन सब बातों को भूल जाना है, बाप कहते हैं सब छोड़ो, अपने को आत्मा समझो, अब सत्व प्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ करो, देह अभिमान में आने से ही अवगुण देखा जाता, देहभान आया तुरंत ही लिमिटेशन चालू हो गया, डिफरेंशिएशन चालू हो गया, अवगुण देखना चालू हो गया, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, भाई भाई देखो तो गुण ही गुण दिखाई पड़ेगा,
एक पिता की संतान, आत्मा आत्मा भाई भाई। सबको गुणवान बनाने की कोशिश करो, खुद भी बनो दूसरों को भी बनाओ। कोई उल्टा सुल्टा कुछ भी करे, समझा जाता है यह तमो व रजो प्रधान है तो जरूर उनकी चाल ऐसी होगी। तमो प्रधान है या तो रजो प्रधान है, मतलब कलयुग में है या तो द्वापर में, तो क्या होगा, खामियां ही देखेंगे। सबसे जास्ती गुण है बाप में, जिसको ही सागर कहते हैं गुणों का, तो बाप से ही गुण ग्रहण करो और सब बातों को छोड़ दो। कनेक्शन किससे रखो, बाबा से रखो, तो क्या होगा, वो उनके बारे में सोचेंगे और एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। अवगुण छोड़ गुण धारण करो, बाप कितना गुणवान बनाते हैं। कहते हैं तुम बच्चों को भी मेरे समान गुणवान बनना है। बाप सुखदाई है, बाप का टाइटल है, दुख हरता सुख करता, दुख हरने वाला एक नाम हरि और सुख करने वाला, वो दुख दे ही नहीं सकता है। हमको भी सुखदाई बनना, हमें भी बाप समान, क्योंकि वो परमात्मा के हम बच्चे हैं और बच्चे होते हैं बाप जैसे। बस यही फूरना रहे कि हमको सतो प्रधान बनना, बाबा ने आगे क्या कहा, यही वो ना रहे, अब यही फूरना रहे, और कोई बात न सुनो न ग्लानी करो। ग्लानी करेंगे तो हम ग्लानी वाले बन जाएंगे। सब में कोई ना कोई खामी है, इसलिए तो यहाँ है। खामी भी ऐसी है जो कोई समझ न सके, दूसरे समझते हैं इनमें खामी है, वह अपने को बहुत अच्छा समझते हैं, है ना, मियाँ मिट्टू कहते हैं ना, है नहीं मगर अपने को बहुत बड़ा समझते, उसको बाबा कहते हैं मियाँ मिट्टू। परंतु कहाँ न कहाँ उल्टा बोल निकल पड़ता है, प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं न कहाँ गलती हो जाती है, इसलिए बोल उल्टा निकल पड़ता है। सतो प्रधान अवस्था में यह बातें नहीं होती, क्योंकि मन ही शुद्ध है पवित्र है, कोई कमी कमजोरी सोच ही नहीं सकता वो मन, इसलिए वहाँ यह बातें होती नहीं। किसी की खामियां निकालना, किसी के बारे में इवन सोचना या बोलना, यहाँ खामियां है, परंतु न समझने के कारण अपने को मियाँ मिट्टू समझ बैठे हैं। बाप कहते हैं, देखो सुनो क्या कहते हैं, मैं मियाँ है, कहते मियाँ मिट्टू एक मैं ही हूँ, तो देखो कैसा मीनिंग निकालते हैं बाबा, जो तुम सबको मिट्टू मतलब मीठा बनाने आया हूँ, इसलिए मिठू बोलते हैं। सब अवगुण आदि छोड़ दो, बाबा कहते जितने भी इम्प्योरिटी है जो अवगुण है सब छोड़ो, अपनी नब्ज भी देखो, हम कितना मीठे मीठे रूहानी बाप को प्यार से याद करते हैं। याद भी कैसे करना, प्यार से, मजबूरी से नहीं, जरूरत है तब याद करे, बाकी जरूरत नहीं तो भूल जाए, बाबा कहते ऐसा नहीं, प्यार से याद करते रहो। कितना खुद समझता हूँ और औरों को समझाता हूँ, देह अभिमान में आ गए तो कोई फायदा नहीं, कौन बोलता है, ब्रह्मा बाबा बोलता है। कितना खुद समझता हूँ और औरों को समझाता हूँ, देह अभिमान में आ गए तो फायदा नहीं। मूल बात ही यह समझानी है कि दुनिया तमो प्रधान है, इसलिए दुनिया को देखो ही नहीं, ये दुनिया गई की गई। जब सतो प्रधान थे तो देवताओं का राज्य था, और सतो प्रधान भी वही बनेंगे जो बने हैं, देवताओं को राय तो वही बनेंगे। अब 84 जन्म भोग तमो प्रधान बने हैं, अब फिर सतो प्रधान बनना है, धीरे धीरे नीचे उतरे, अब फिर से बनना है, और बनाने वाला आए तब बने, वो आ गया है। तमो प्रधान भी भारतवासी ही बने हैं और सतो प्रधान भी वही बनेंगे, और कोई को सतो प्रधान कह नहीं सकते, देवताओं के सिवा किसी को भी सतो प्रधान नहीं कह सकते। राम सीता भी क्या है, सतो है, सतो प्रधान नहीं, उनको कहते हैं क्षत्रिय, उनको देवता नहीं कहते, क्योंकि आत्मा की पावर दो कला कम हो जाती है आउट ऑफ 16 कला, इसलिए नंबर दो कैटेगरी है वो सतो कहते हैं, सतो प्रधान नहीं। सतयुग में कोई धर्म होता नहीं, वहाँ कोई परवाह ही नहीं है, क्योंकि खुद स्वरूप बन जाते हैं। बाप कहते हैं तुम अनेक बार तमो प्रधान से सतो प्रधान बने हो, और फिर बनो, श्रीमत पर चलकर मुझे याद करो, यही ओना होना चाहिए,
अंदर से होना चाहिए, थोड़ी फिक्र रहनी चाहिए कि हम कैसे बने। पाप सिर पर बहुत है, बाप ने अभी सुजाग किया है, मतलब जगाया है। जैसे हनुमान जी लाए थे क्या जड़ी बूटी, किसको सुजाग करने के लिए? लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण क्या है? मन का लक्ष्य क्या है? देवी देवता बनना, लक्ष्मी नारायण जैसा। माया क्या करती है? सुला देती है। तो बाबा आकर क्या करता है? ये जड़ी बूटी खिलाता है। क्या? याद की जड़ी बूटी। इसलिए बाबा कहते हैं बाप ने अभी सुजा किया है, जागृत किया है और किया है। देवताओं के आगे जाकर कहते हैं हम भिखारी है, आते थे ना हम ही। तुम सर्वगुण संपन्न, सोले कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी आदि आदि। हम तो कहते थे पापी नीच खल कामी भिखारी, ये वर्ड थे पक्के। तो बाबा कहते हैं, कहते हम भिखारी है क्योंकि देवताओं में पवित्रता की कशिश है, इसलिए उनके आगे जाकर कहते हैं और घर जाकर भूल जाते हैं, क्योंकि घर जाते तो अपने जैसे ही सब पति थे, तो फिर वहाँ वो बात ही नहीं रहती। देवताओं के आगे जाते हैं तो अपने से घृणा आती है, खुद को देखते हैं ना हम कैसे हैं और कंपेयर करते हैं उनके साथ। घर में जाते तो कुछ घृणा नहीं, ख्याल भी नहीं करते हैं कि इन्हों को ऐसा बनाने वाला कौन, देवताओं को ख्याल भी नहीं करते, सोचते भी नहीं। अब बाप कहते हैं देवता बनना है तो ये पढ़ाई जरूर पढ़ो, श्रीमत पर चलना पड़े। पहले पहले बाप कहते हैं क्या, अपने को सतो प्रधान बनाना है, इसलिए माँ में कम याद करो, मम एकम को ही, मम एक को ही, मुझ एक को, बाप को ही, और कोई जरमुई जगमुई नहीं करो। दूसरे की पंचायत जो बोलते हैं, आगे पीछे की बात है बाबा, उसको जरमुई जगमुई करते। अपना ही वो ना रखो कि हमको ये बनना, दूसरे की बात छोड़ो। बाप कहते हैं तुम ही आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, फिर कहाँ गए? यानी हम ही थे 33 कोटि, कहाँ गए? वाम मार्ग में गए। इनके ही 84 जन्मों की कहानी लिखी हुई, इसके लक्ष्मी नारायण के तत्त्वम, वैसे हम सब ब्राह्मण भी। अब हमको ऐसा बनना है, देवी गुण धारण करने हैं, भाई भाई समझकर बाप को याद करना है, बाप से वर्षा। एक ही होना रहे, एक ही चिंता लगी रहे, एक ही शुभ चिंता लगी रहे। चिंता में दो प्रकार, जो नेगेटिविटी है वो चिंता की बाबा बात नहीं करते, शुभ चिंतक और शुभ चिंतन। चिंतन करना है, चिंता नहीं करनी है। बाप से वर्षा लेना है, बुद्धि में आना चाहिए क्या? निंदा स्तुति तो करते आते हैं, वास्तव में स्तुति तो है ही नहीं, निंदा है ना। हम क्या मानते थे? परमात्मा सर्वव्यापी अच्छा मानते, बाबा का अच्छा थोड़ा है। कृष्ण को माखन चोरी बताकर अच्छा मानते थे, अच्छा थोड़ी चोरी की ना। तो बाबा कहते हैं वास्तव में स्तुति तो है नहीं, समझते थे स्तुति है निंदा। जिनकी एक तरफ स्तुति करते उनकी दूसरी तरफ निंदा भी करते हैं, क्यों? क्योंकि जानते ही नहीं। एक तरफ बाप की महिमा करते सागर के रूप में, पॉजिटिविटी के रूप में, दूसरे तरफ सर्वव्यापी कर देते, कॉन्ट्रास्ट है सब जगह पे। एक तरफ कहते हैं कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, दूसरी तरफ क्या कहते हैं भगवान ही सब कुछ करता है, अपोजिट है, कॉन्ट्रास्ट है, पैराडॉक्स है सब चीज़ों का। बाबा आकर सब समझाता है, ठिककर भीतर में परमात्मा कहने से बेमुख हो पड़े हैं। विनाश काले विपरीत विपरीत बेमुख बुद्धि विनश्यन्ति, क्या है? विनाश काले विपरीत, जिसकी प्रीत नहीं है बाबा के साथ, पहचान ही नहीं है तो प्रीत कैसे होगी? बेमुख जो परमात्मा से दूर होते हैं, मुख मोड़ लेते हैं, बेमुख बुद्धि, बुद्धि ऐसी बन जाते है, विनश्यन्ति, तो विनाश को पाते हैं, मतलब तमो प्रधान बन जाते हैं। विनाश काले प्रीत सम्मुख बुद्धि विजयन्ति, जब परमात्मा की पहचान हो जाते है, सामने आ जाते हैं, बुद्धि शुद्ध हो जाती है तो विजयी बन जाते हैं, विजय माला में आ जाते हैं। जितना हो सके कोशिश करने की, किसकी? बाप को याद करने की। आगे भी याद करते थे परंतु वह व्यभिचारी याद थी, अनेकों की याद थी, बहुतों को याद करते थे। अब बाप कहते हैं अव्यभिचारी याद में रहो, एक ही परमात्मा की याद, बाबा की याद, सिर्फ माँ में कम याद करो। भक्ति मार्ग के ढेर चित्र है जिनको भी तुम याद करते आए,
अब फिर सतो प्रधान बनना है। वहां भक्ति मार्ग है ही नहीं जो याद करना पड़े, कहाँ सत्य त्रेता में। बाप कहते हैं पुरना यही रखो कि हम सतो प्रधान कैसे बने, वो ना रखो पुरना रखो, चिंतन करो। बाप मिल गया कि ये सृष्टि चक्कर कैसे फिरता है वह तो सहज ही। ज्ञान मिल गया, सॉरी ज्ञान मिला तो पता चला ना कि सृष्टि चक्कर कैसे घूमता है। अच्छा, कोई मुख मुख से नहीं भी समझा सकते, परंतु बुद्धि में जरूर आता है कि हम सतो प्रधान से तमो प्रधान कैसे बने। अब फिर सतो प्रधान बनना है जो, और जिसको समझाना नहीं आता है, जो भली भोली माता ये है, जो पढ़ी लिखी नहीं है मगर इतना नशा रहता है कि बात मत पूछो। इसलिए बाबा कहते हैं बुद्धि में जरूर है सबको कि हम ही थे हम ही बन रहे हैं, बनना है जरूर। अगर कोई बोल नहीं सकता है तो कहेंगे अपनी तकदीर, भावी भी है ना। बाप ने बहुत सहज उपाय बताया, क्या बेज पर समझाना सहज, यह है बेहद का भाव। हम जो बेज लगाते हैं वो थोड़ी धारणा हो जाए और तैयारी हो तो बोलना हम बेज लगा देंगे आपको बराबर है। जो भी सेंटर पर आते कभी भी आओ तो बात करना। तो बाबा कहते हैं बेज क्या है, पूरा का पूरा बाबा का ज्ञान है। कोई नहीं बोलता तो बाबा कैसे समझा, इनसे ही वर्षा मिलता है। बाप जरूर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, सो तो जरूर यहाँ ही करेंगे। शिव जयंती मानना स्वर्ग की जयंती, सुना, शिव जयंती मानना स्वर्ग की जयंती। स्वर्ग में है ही देवी देवताएं, वह फिर कैसे बने। वह इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पढ़ाई से बने, भी पढ़ाई की मेहनत की तो बने ने, कर्म करेंगे तो फल मिलेगा ने। तुम बच्चों को भी समझ मिली है, फिर औरों को भी यह समझ देनी है। खाली स्वार्थ ही नहीं बनना। बाबा ने जो ज्ञान दिया दुनिया के लिए, सिर्फ हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए पहले स्व परिवर्तन के लिए, मगर उसके बाद अप्लाई भी करना है, दूसरों के लिए सेवा भी करनी। तुम्हारा है सहज ज्ञान और सहज योग, साथ में सहज वर्षा। परंतु यहाँ कोई पाए पैसे का वर्षा लेने वाला भी है, बाबा का बच्चा ही है, तो पद्मों का वर्षा लेने वाला भी है। अंत में आएगा और लक्ष्मी नारायण बनकर आएगा, फर्क तो रहेगा ही, सारा मदार पढ़ाई करे। याद की यात्रा से और सब बातें भूल जा, फलाना ऐसा है फलानी ऐसी है आदि आदि, ऐसे इसमें टाइम वेस्ट न करो, मंजिल बहुत भारी है। सतो प्रधान बनने में ही माया विघ्न डालती है, पढ़ाई में विघ्न नहीं पड़ते, याद में विघ्न पड़ते हैं। बाबा कहते अपने को देखो, हमारा कितना लव है, लव ऐसा हो जो बाप से चटकार है। सिखलाने वाला बाप है, उनकी आत्मा नहीं सिखाती है किनकी, ब्रह्मा की, यह भी सीखती है। बाबा आप हमको कितना समझदार बनाते हैं, ऊंचते ऊंच आप हो, फिर मनुष्य सृष्टि में भी आप हमको कितना ऊंच बनाते हो, सर्वोच्च है सबसे ऊंच। उनका कोई माता पिता शिक्षक गुरु नहीं है, वो सबका माता पिता शिक्षक, इसलिए सर्वोच्च है उनका। जो पांच क्राइटेरिया, उसमें एक क्राइटेरिया ये है, इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे अंदर में बाबा की महिमा करनी चाहिए। क्यों, बाबा को महिमा अच्छी लगे इसलिए नहीं, बाबा की महिमा हमें इसलिए करनी है कि हम बाबा के बारे में अच्छा अच्छा सोचेंगे तो एज यू थिंक सो शैल यू बिकम, बन ही जाएंगे ऐसे, मतलब समान बन जाएंगे। किस में, क्वालिटी और शक्तियों में, हम परमात्मा नहीं बन जाएंगे, बराबर ख्याल रखना हम उनके समान बनते हैं, जिसको हम गॉड गॉडेस कहते हैं। इसलिए बाबा कहते समझदार बनो, ऊँचे ते ऊँचे आप हो, फिर मनुष्य सृष्टि में भी आप हमको कितना ऊँच बनाते हो, ऐसी महिमा करो। बाबा आप कितनी कमाल करते हो, बाबा के साथ कैसे बात करनी है, कैसे महिमा करनी है। रू रिहान कहते हैं बात, मतलब कोई मुख से बोलने की जरूरत नहीं, संकल्प की बात है। बाप कहते बच्चे तुम फिर से अपना राज्य लो, माँ में कम याद करो, मगर कैसे, खुशी से, खुशी खुशी से, मजबूरी से नहीं। अपने से पूछना है, दूसरों को नहीं, अपने से, हम बाबा को कितना याद करते हैं। कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं, है ना, देवताओं में खुशी होती है, उनकी खुराक बहुत ही कम होती है, बहुत ही माइन्यूट होती है। इसलिए क्यों, क्योंकि
क्योंकि उनको ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं होती है वेस्ट और नेगेटिव थॉट में। ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं होगी तो खुराक भी कम चाहिए, ज़्यादा बॉडी का डिके भी नहीं होता, इसलिए आयुष भी बहुत लंबी है सतयुग में। इसलिए बाबा कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। तो बाप के मिलने की भी खुशी है, परंतु इतनी खुशी बच्चों को अंदर नहीं रहती है। नहीं तो विवेक कहता है कि बहुत खुशी रहनी चाहिए। इस पढ़ाई से हम यह राजा बनने वाले, खाली राजा नहीं, कहते महाराजा महारानी, बेहद के पास के, बेहद के बाप के हम बच्चे हैं ने, सुप्रीम बाबा हमको पढ़ाते हैं। जैसा पढ़ाने वाला होगा वैसा ही बनाएगा ने, वो है सुप्रीम, तो हमें बनाएगा भी मास्टर सुप्रीम। बाबा कितना रहम दिल है, कैसे बैठ तुम बच्चों को नई नई बातें सुनाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में बहुत नई नई बातें हैं जो और कोई की बुद्धि में नहीं है। बाबा की मुरली जितनी बार पढ़ेंगे कोई ना कोई नई पॉइंट टच होगी, और हमारी ज़िंदगी के कोई भी क्वेश्चन का आंसर मुरली में है। हमें बराबर सुनेंगे पढ़ेंगे तो ज़रूर आंसर मिल जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारे पहले पॉइंट, देही अभिमानी अवस्था धारण कर सुखदाई बनना है। सुखदाई बनना है तो प्राइमरी कंडीशन ये है, देही अभिमानी बनना। किसी की खामियां मतलब कमियां नहीं निकालनी है। आपस में बहुत बहुत प्यार से रहना है। कैसे रहना है? मत भेद में नहीं आना। कहते हैं जो हो रहा है ठीक हो रहा है वही होना चाहिए। हमारी फर्ज है प्यार से ध्यान खींचवाना, या तो ऊपर वाले को ध्यान खींचवाना, बाकी करे नहीं करे उनके छोड़ देना। दूसरी पॉइंट है, और सब बातों को छोड़ एक बाप से गुण ग्रहण करना है। सतो प्रधान बनने का पूर्ण मतलब फिकर रखना है। किसी की बात न सुननी है न ग्लानी करनी है। मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है, मियाँ मिट्ठू जो झूठी अपनी प्रशंसा करता है उसके बाबा मियाँ मिट्ठू कहते हैं। बाबा ने जो अपने लिए किया वो अलग बात, जो कहा ये हमारे लिए मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। वरदान है समय प्रमाण स्वयं को चेक कर, चेंज करने वाले सदा विजयी श्रेष्ठ आत्मा बनो। विजयी श्रेष्ठ आत्मा बनना है तो क्या करो? चेक करो, चेंज करो समय के अनुसार। समय चला जाने के बाद कुछ हो नहीं सकता, कहते हैं ना समय समय बलवान है नहीं मानव बलवान। मगर कब? समय चला जाने के बाद, पहले हम सब कुछ कर सकते हैं। तो बाबा समझाते हैं जो सच्चे राजयोगी है वह कभी किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं हो सकते। तो अपने को समय प्रमाण इसी रीति से चेक करो, और चेक करने के बाद चेंज कर लो। खाली चेक भी नहीं करना, चेंज भी साथ में करना है। सिर्फ चेक करेंगे तो दिल शिकस्त हो जाएंगे, हमारे में ये खामियां हैं वो खामियां हैं, तो क्या होगा? दिल से बीमार होपलेस बन जाएंगे। सोचेंगे कि हमारे में यह भी कमी है, पता नहीं ठीक होगा या नहीं, इसलिए चेक करो और चेंज करो। क्योंकि समय प्रमाण कर्तव्य करने वालों की सदा विजय होती है, समय के बाद नहीं समय प्रमाण। इसलिए सदा विजयी श्रेष्ठ आत्मा बन, तीव्र पुरुषार्थ द्वारा नंबर वन में आ जाओ। स्लोगन है मन बुद्धि को कंट्रोल करने का अभ्यास हो तब सेकंड में विदेही बन सकेंगे। विदेही की मुरली बाबा ने 2 हफ्ते पहले चलाई थी, बहुत ही अच्छी मुरली है। मगर मुख्य बात यह है मन बुद्धि को कंट्रोल करने का अभ्यास करना। अच्छा, ओम शांति। आधे